बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लासिक्स, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स। लेट्स स्टार्ट लेसन 8 एडवर्ब्स ऑन पेज 27। एन एडवर्ब टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। एक एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है। एट टाइम्स अ सिंगल एडवर्ब इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली टेल अस हाउ व्हेन आर वेयर समथिंग हैपन्स। कई नली ऐसे होता है कि एक सिंगल एडवर्ब हमें ये बताने के काबिल नहीं होता कि कुछ कहाँ कैसे और किस जगह पे हुआ है। मोर वर्ड्स आर नीडिड टू गेट अ क्लियर व्यू। क्लियर व्यू के लिए हमें ज़्यादा अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्लेन टुक ऑफ क्विकली। टुक ऑफ मीन रवाना होना। प्लेन रवाना हुआ क्विकली तेज़ी से। टू गेट अ बेटर डिस्क्रिप्शन वी कैन राइट। बेटर डिस्क्रिप्शन के लिए हम लिख सकते हैं द प्लेन टुक ऑफ विद अ बिग रोर। रोर मीन गरज। कि प्लेन रवाना हुआ विद अ बिग रोर, बहुत विद अ बिग रोर, एक बड़ी गरज के साथ। विद अ बिग रोर इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। टेलिंग हाउ द प्लेन टुक ऑफ, जो हमें बता रहा है कि प्लेन कैसे रवाना हुआ। अनदर एग्जाम्पल द प्लेन लैंडेड इन द मिडल ऑफ द नाइट। प्लेन ने लैंड किया इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के दरमियान में प्लेन ने लैंड किया। हेयर मिडल ऑफ़ द नाइट टेल्स अस व्हेन द प्लेन लैंडेड। अब मिडल ऑफ़ द नाइट हमें ये बताता है कि प्लेन ने कब लैंड किया। वी कैन गिव अनदर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। द प्लेन लैंडेड इन अ लोनली स्पॉट। कि प्लेन ने लैंड किया एक लोनली स्पॉट पे, एक तन्हा जगह पे। हेयर वी आर टोल्ड वेयर द प्लेन लैंडेड। यहाँ हम बता रहे हैं कि प्लेन ने कहाँ लैंड किया। When we use more words, जब हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, we get a better idea of what happened। तो हमें एक बेहतर आइडिया मिलता है of what happened के क्या हुआ। The group of words in red in the above examples are called adverb phrases। The words with a big roar, in the middle of the night, in a lonely spot are adverb phrases। Now let's understand। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। अंडरलाइन दी एडवर्ब फ्रेजेस। लुक एट फॉर वर्ड्स डैट आंसर द क्वेश्चंस हाउ व्हेन आर वेयर। ऐसे वर्ड्स देखें जो कि आंसर दें क्वेश्चंस का, हाउ व्हेन एंड वेयर, ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर दें। नंबर वन, द जाइंट केम टू हिज रूम हफिंग एंड पफिंग विद एंगर। जाइंट मीन बहुत बड़ी जिसामत का दियो कह लें। वो अपने रूम में आया हफिंग एंड पफिंग विद एंगर। पफिंग मीन फूलना। वो अपने रूम में आया हफिंग एंड पफिंग विद एंगर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ, कैसे जाइंट अपने रूम में आया। सो द आंसर इज़ हफिंग एंड पफिंग विद एंगर, डैट इज़ एडवर्ब फ्रेज। सो वी अंडरलाइन दिस एड एन एडवर्ब फ्रेज। नंबर टू, वी वेंट टू सी द फ्लावर शो इन द इवनिंग। हियर द क्वेश्चन इज़ व्हेन। व्हेन वी वेंट टू सी द फ्लावर शो एंड द आंसर विल बी इन द इवनिंग। कि हम इवनिंग में फ्लावर शो देखने गए। So this is adverb phrase in the evening। Number थ्री, Stan and Justin went up to the roof to fly kites। यहाँ पर अब क्वेश्चन बन रहा है कि Stan और Justin roof पे क्या करने गए। तो the answer होगा to fly kites, that is adverb phrase, to fly kites। Number फोर, the hitchhikers pitched their tent for the night by the lake side। हिचहाइकर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्री राइड करते हैं, जो उनके पास से व्हीकल्स गुजर रही हैं उन पे वो ट्रैवल कर लेते हैं फ्री। दी हिचहाइकर्स पिच्ड, पिच्ड मीन डेरा डालना, देयर टेंट फॉर द नाइट बाय द लेक साइड। इन द सेंटेंस बाय द लेक साइड, कि उन्होंने कहाँ अपने टेंट्स लगाए हिचहाइकर्स ने, बाय द लेक साइड, झील के साथ। सो बाय द लेक साइड इज़ एन एडवर्ब फ्रेज। नंबर फाइव, वी मस्ट वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। हमें प्लांट्स को कब पानी देना चाहिए, इन द इवनिंग, शाम को। इन द इवनिंग इज़ एन एडवर्ब फ्रेज। सो वी एंड अवर लेसन हेयर फॉर टूडे। डू द वर्क ऑन योर बुक एंड लर्न एज वेल। प्रैक्टिस पार्ट ए, कॉपी दी सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल एडवर्ब फ्रेजेस। नाउ वी फिल दिस ब्लैंक विद एन एडवर्ब फ्रेज। नंबर वन, द क्रूअल मास्टर बीट अप हिज डॉग डैश क्वाइट मर्सीलेसली, बहुत ही बेरहमी से। द क्रूअल मास्टर, जालम आका, बीट अप हिज डॉग। बीट करना मीन मारना। बीट अप हिज डॉग क्वाइट मर्सीलेसली। मर्सीलेसली मीन बेरहमी से। नंबर टू, ही वॉकड अप द स्टेज इन अ ग्रेसफुल मैनर। इन अ ग्रेसफुल मैनर मीन बावकार तरीके से।
टू रिसीव हिज प्राइज़। वो स्टेज पे चलता हुआ आया बहुत इन अ ग्रेसफुल मैनर, पुरवकार तरीके से, टू रिसीव हिज प्राइज़, अपना प्राइज़ लेने के लिए। नंबर 3, ही पार्क हिज कार डैश इन द पार्किंग एरिया, उसने पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क की। नंबर 4, द पुलिस फाउंड द मिसिंग मैन डैश वेरी क्विकली, पुलिस ने बहुत तेज़ी से जो गुमशुदा आदमी है उसको ढूंढ लिया। नंबर 5, द बॉयज़ शाउटेड डैश व्हेन द प्रिंसिपल अनाउंस द एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मीन अ जर्नी टेकन फॉर अ प्लेयर लाइक अ ट्रिप। जब प्रिंसिपल ने ट्रिप की अनाउंसमेंट की, द बॉयज़ शाउटेड विद एक्साइटमेंट, तो शाउटेड मीन चिल्लाए, द बॉयज़ शाउटेड विद एक्साइटमेंट, तो लड़के एक्साइटमेंट से चिल्लाए।